मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक विदेशी कंपनी हमारे यहाँ एक दवा बनाती है और बेचती है, उसका नाम है आयोडेक्स। आपने इसका विज्ञापन सुना होगा, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। ये आयोडेक्स नाम की दवा हर चोट और मोच के लिए आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल करता है, आयोडेक्स का। अमेरिका, कनाडा जैसे सब देशों में ये बंद है, 20 साल पहले बंद है, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। फालतू में ऐसी दवाएं हमारे यहां बहुत मिलती है। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहां ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए बेबी फूड और बेबी पाउडर्स बेचे जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बेचता, कहीं नहीं बिकते। हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेबी पाउडर के नाम पर बहुत सारे ब्रांड हैं, सेरेलक है, नेस्टम है, लैक्टोजन है, ये दुनिया में कहीं नहीं बिकते। अगर आप अमेरिका जाएंगे किसी दुकान में नहीं मिलेगा ये, आपको यूरोप में भी नहीं। अमेरिका यूरोप में तो हम लोग देखते हैं कि वहां बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और उन पर लोगों को समझाने के लिए लिखा जाता है, बेबी पाउडर नॉट बेबी किलर। वो कहते हैं कि ये बेबी पाउडर नहीं है, बच्चों को मार डाले ऐसी चीज। अमेरिका यूरोप में कोई अपने बच्चों को ये नहीं देता, नेस्टम, सेरेलक, लैक्टोजन, लेकिन भारत में पता नहीं कितने परिवारों में बच्चों को ये खिलाया जाता। पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में ये बहुत बड़ा घटाटोक है, घोटालेबाजी, रिश्वतखोरी में पूरा चिकित्सा व्यवस्था डूबी हुई है हमारी। और इस चिकित्सा व्यवस्था का एक कड़वा सच है, और मैं पहले से आपसे माफी चाहता हूं लेकिन जरूर होगा, वो कड़वा सच ये है कि ये जितनी बेकार की दवाएं हैं, फालतू की दवाएं, इरेशनल, इररेलीवेंट मेडिसिन, जहरीली दवाएं, इन सबको डॉक्टर्स आपको लिखते हैं एक ही लालच में कि उनको कमीशन मिलता है इन दवाओं को बिकवाने में। हमारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं मिलता रहता हूं, उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है वो मैं इकट्ठी करता रहता हूं। हमारे पतंजलि योग पीठ में आप जानते हैं कि हर दिन करीब 2,500 मरीज आते हैं, और उनमें से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी एलोपैथी के चक्कर में सब बर्बाद करा चुके हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, अंत में आते हैं हमारे यहाँ। तो पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया हम उनसे पूछते हैं, तो उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में देखता हूँ, तो डॉक्टर्स की लिखी हुई ऐसी ऐसी दवाएं देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ, जिन दवाओं को कोई भी ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर अपने को नहीं खिला सकता, अपने घर परिवार के लोगों को नहीं दे सकता, वो दवाएं डॉक्टर मरीजों को लिखता रहता है। और जब वो स्लिप लेके हम डॉक्टर्स को मिलते हैं और कहते हैं कि आपने ये दवा कैसे लिख दी इस मरीज को, क्योंकि इस दवा के तो 100 से ज्यादा दुष्परिणाम है, दुनिया के इतने देशों में ये बैन है, आपने कैसे लिखा इसको, तो वो डॉक्टर्स जो है ना मुस्करा के रह जाते हैं। और जो थोड़े हमारे नजदीकी हैं वो कहते हैं क्या बताएं भाई, कमीशन मिलता है इसमें, और कमीशन थोड़ा बहुत नहीं मिलता, 40% तक मिलता। आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं कि अगर आप किसी केमिस्ट की दुकान से 1,000 रुपए की दवाएं खरीद रहे हैं, किसी डॉक्टर की स्लिप पर लिखी हुई, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखी हुई, तो उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास जाएगा। ये सारे केमिस्ट जो है ना डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कमीशन खोरी है। वो दवा बेचेंगे, मुनाफा आएगा, उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। और ये काम और बड़े पैमाने पर होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवाएं डॉक्टर से लिखवाने के लिए कमीशन देती हैं। कैसे कमीशन देती हैं? बहुत सारी कंपनियां डॉक्टर्स को कार देती,
गिफ्ट में कार दे देती है, टेलीविजन दे देती है, मोटरसाइकिल दे देती है, घर में एसी लगवा देते हैं। कई कई कंपनियां तो डॉक्टर्स के परिवारी लोगों को स्विट्जरलैंड घूमने का टिकट दे देती है, हांगकांग सिंगापुर का टिकट दे देते हैं, कहते हैं जाओ खरीदी करके आओ। अब वो डॉक्टर जब कंपनी से कार पा जाएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, उनकी बहुत सारी सुविधाएं लेगा, तो वो तो उनका जल खरीद गुलाम हो गया। अब तो कई कंपनियों ने इतने खराब खराब तरीके निकाले हैं इस रिश्वतखोरी के कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके बेटे बेटियों की पढ़ाई का खर्च दवा कंपनी देती, डॉक्टर्स के टेलीफोन का खर्च दवा कंपनी भरती है, डॉक्टर्स की गाड़ी में डीजल पेट्रोल का खर्च दवा कंपनी देती है, तो वो डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जिसको कंपनी कहती है, और कंपनी वो दवाएं लिखवाती है जिसमें मुनाफा बहुत हो, और मुनाफा उन्हीं दवाओं में है जो सबसे खराब और रद्दी दवाएं। ये सारा रैकेट ऐसे चलता है। तो इस चक्कर में आप जो दवाएं खा रहे हैं, आप नहीं जानते कि उन्हीं दवाओं से आप और ज्यादा बीमार होते चले जा रहे हैं। आप नहीं जानते कि कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपके घुटने के दर्द के लिए जिम्मेदार है, जितनी एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ये सब घुटनों का दर्द करती है। आपको गठिया होगा, संधिवात होगा, अर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, रूमेटिड अर्थराइटिस होगा, ये सब होता है। कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपको मोटापा लाती है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करने आया, विनती करने आया कि आप बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचो, आप बीमारी से नहीं ये बेकार की फालतू एलोपैथिक दवा